देश के बंटवारे के बाद बलराज उर्फ बल्लू फौजी सुनील दत्त का परिवार यमुना किनारे बसे गांव यमुनानगर मंडौली में आकर बस गए थे। इस दौरान सुनील दत्त के परिवार को सरकार ने मंडौली में 14 एकड़ भूमि आवंटित की थी। अभिनेता सुनील दत्त के भाई और सुपरस्टार संजय दत्त के चाचा अभिनेता सोम दत्त यमुनानगर अब हरियाणा में अपने पैतृक गांव मंडौली के पास रहते थे। ग्लैमर की दुनिया में जाने की लालसा सुनील दत्त को मुंबई तक ले गई, जहां पर उन्होंने पहले बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और उसके बाद राजनीति में भी पहचान बनाई। लेकिन उनके मुंबई जाने के बाद उनके छोटे भाई सोम दत्त ने गांव मंडौली में ही रहकर खेती बाड़ी की ओर ध्यान दिया। इस दौरान अभिनेता सोमदत्त ने अपने बड़े भाई सुनील दत्त के आशीर्वाद से कई फिल्मों में एक्टर के रूप में काम किया। अभिनेता सोमदत्त ने सबसे पहली फिल्म हीरो में भाग्य जमाया। अभिनेता सोमदत्त प्रोड्यूसर भी थे। नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म में खलनायक की भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई थी। बाद में विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा में एक बड़े सुपरस्टार बन गए, जबकि सोमदत्त पर्दे के पीछे चले गए। अभिनेता सोमदत्त की दो बेटियां और एक बेटा युवराज दत्त है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक्टर सोमदत्त की बड़ी बेटी नंदिता इंग्लैंड में और छोटी बेटी ममता पंजाब के अमृतसर में रहती है, और बेटा युवराज अपनी मां प्रमिला के साथ मंडौली में ही रहते हैं। एक्टर सोमदत्त साहब ने 22 फिल्मों में अभिनय किया। 1969 में उनकी फिल्म मन का मीत व नानक नाम जहाज को नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक्टर सोम दत्त को निश्चय 1992, खून का कर्ज 1991 और यारी दुश्मन 1980 के लिए जाना जाता है। 4 फिल्मों दीपक, मुझे जीने दो, यादें व यारी दुश्मनी में अपने बड़े भाई सुनील दत्त के साथ काम किया, लेकिन वे फिल्मी दुनिया में सफल नहीं हो सके। सिने स्टार एक्टर सुनील दत्त के छोटे भाई और संजय दत्त के चाचा फिल्म एक्टर सोम दत्त ने लंबी बीमारी के कारण 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सुनकर मंडौली में सन्नाटा पसर गया था। यमुना घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। एक्टर सोमदत्त साहब के बेटे युवराज दत्त ने उनको मुखाग्नि दी थी।